तीसरा, अब इन तीन गद्यांशों में से जो पांच पांच प्रश्नों के उत्तर हैं, इसमें से हमें 10 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। आपको गद्यांश प्रश्न में उतारना नहीं है, उत्तर पुस्तिका में आपको गद्यांश नहीं उतारना है, केवल प्रश्न लिख के प्रश्न का उत्तर लिखें। प्रश्न न लिखें तो प्रश्न इस प्रकार लिखें, उत्तर ग पहला। जनाः समयस्य दुरुपयोगं कथं कुर्वन्ति, लोग समय का दुरुपयोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पहली लाइन में लिखा गया है जनाः द्विधा समयस्य दुरुपयोगं कुर्वन्ति स्म, लोग दो प्रकार से समय का दुरुपयोग करते हैं। कुर्वन्ति तक हमारा एक एक उत्तर कंप्लीट हो जाएगा, और यदि आप पूरा बताना चाहते हो तो यदि आपने पूरी लाइन लिखी तो भी कोई हरकत नहीं है। व्यर्थ व्यापनेन बेकार बिताकर, अकार्य कारणेन च और बिना मतलब के, ये दो तरह से लोग अपने समय का दुरुपयोग करते हैं। अनेके जनाः कस्मिन् समर्था अपि निरर्थकम् समयम् यापयन्ति, अनेक लोग किसमें समर्था अपि समर्थ होते हुए भी निरर्थकम् समयम् बेमतलब समय यापयन्ति बिताते हैं। इसका मतलब आएगा कि अनेके जनाः कार्य संपादने समर्था अपि, कार्य संपादन में कुशल होते हुए भी निरर्थकम समयम यापयन्ति बेमतलब समय बिताते हैं। मानव शरीरम कीदृशम अस्ति, मानव शरीर कैसा होता है। मानव शरीर होता है, हाँ, देव दुर्लभम इदम मानव शरीरम लब्धवा अपि ये न अध्ययनम कुर्वन्ति न धर्मम आचरन्ति न धनम उपार्जयन्ति न वा मुक्तये प्रयासम कुर्वन्ति तेषां जन्म निरर्थकम भवति तक। मानव शरीर कैसा होता है कि देव दुर्लभ है। यह मानव शरीर कैसा है, केवल देव दुर्लभ लिखेंगे हम यहाँ पे उत्तर तो भी हमारा पूर्ण उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर कीदृशम अस्ति, मानव शरीर किस प्रकार है। मानव शरीर देव दुर्लभम अस्ति, इतना ही उत्तर लिखो। यम कर्म भूमि केशाम भारम वो डुम न इच्छति, यह कर्म भूमि किनका भार उठाना नहीं चाहती। तो यहाँ पे उत्तर है कि यम कर्म भूमि या कर्म भूमि निष्क्रियाणाम, जो कुछ भी काम नहीं करते हैं ऐसे लोगों का भारम वोडुम नेच्छति, उनका भार उठाना नहीं चाहती है। निष्क्रिय लोगों का भार उठाना नहीं चाहती है, तो यहाँ पे केशाम के स्थान पर निष्क्रियाणाम शब्द आएगा। स्वार्थाय इति पदस्य विपरीतार्थम पदम लिखति, स्वार्थाय अपने स्वार्थ के लिए इस पद का विपरीत शब्द लिखिए, इसका विपरीत शब्द आएगा क्या लिखा है, परार्थाय। स्वार्थाय अपने स्वार्थ के लिए, परार्थाय दूसरों के उपकार के लिए, तो इसका शब्द आएगा परार्थाय। जिस तरह से गद्यांश तीन दिए गए हैं उसी तरह से पद्यांश भी, अर्थात तीन श्लोक दिए जाएंगे। तीन श्लोकों में से आपको दो श्लोकों के पांच पांच प्रश्नों के उत्तर हल करने हैं। अधोलिखितेषु पद्यांशेषु पद्यांश द्वयस्य प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, नीचे लिखे हुए पद्यांशों में दो पद्यांशों के प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। छिन्नो अपि चंदन तरु न जहाति गंधः, काटने पर भी चंदन का पेड़ खुशबू नहीं छोड़ता है। पहला प्रश्न है छिन्नो अपि चंदन तरु किम न जहाति, काटने पर चंदन का पेड़ क्या नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पे हमको लिखना है गंधम, किम के स्थान पर गंधम आ जाएगा। उत्तर पूरी लाइन में लिखना है छिन्नो अपि चंदन तरु गंधम न जहाती, लीलाम कह न जहाती, लीला कौन नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पे लिखना है, दूसरी लाइन का उत्तर है वृद्धो अपि वारणपति न जहाती लीलाम, बूढ़ा होते हुए भी हाथियों के झुंड का जो नेता होता है वह अपनी लीला को न यानी नहीं जहाती यानी छोड़ता है। तो कह के स्थान पर वृद्धो अपि वारणपति न आएगा। यंत्रार्पितो इक्षुः कान जहाति,
मशीन में डाला हुआ गन्ना क्या नहीं छोड़ता है? तो यह प्रश्न का उत्तर है यंत्रार्पितो मधुरता न जहाति चक्षुः। मशीन में डाला हुआ गन्ना अपनी मिठास नहीं छोड़ता है। च प्लस इक्षु, इक्षु है ना गन्ना, च है ना और जहाति का, जहाति पद का समानार्थी शब्द है त्याजाति। त्याजाति मतलब छोड़ता है और जहाति यानी भी छोड़ता है। प्रश्न नंबर दो, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। प्रारभ्य विघ्न भयेन, विघ्न वेता विर्मन्ति मध्यः, विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानः, प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। खलु यानि वास्तव में, नीचे ही नीचों के द्वारा, विघ्न भयेन विघ्नों के आने से न प्रारभ्यते, कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है। वास्तव में नीचों के द्वारा विघ्नों के भय से कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है। प्रारभ्य प्रारंभ करके, विघ्न विहिता विघ्नों के आने से, विर्मन्ति छोड़ देते हैं मध्याह मध्यम वर्ग के लोग, विघ्न ही पुनः पुनः विघ्नों द्वारा पुनः पुनः बार बार, अपि यानी भी प्रतिहन्य मानः प्रताड़ित होने पर, प्रारभ्य प्रारंभ करके, चयन और उत्तम जनाः उत्तम वर्ग के लोग न परित्यजन्ति नहीं त्यागते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, कहि विघ्न भयेन कार्यम न प्रारभ्यते, किनके द्वारा विघ्न भयेन विघ्नों के भय से कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, कहि में दो ऊपर मात्रा है और विसर्ग है, और इन पहली लाइन में जो आखिरी शब्द है उसमें भी दो मात्रा और विसर्ग है। कहि तो यहाँ पे नीचे ही उत्तर आएगा, नीचे ही, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम नीचे ही, नीचों के द्वारा विघ्न भयेन विघ्नों के भय से कार्य न प्रारभ्यते, कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है। मध्यः कदा विर्मन्ति, मध्यम वर्ग के लोग तब छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, यहाँ पे लिखना है मध्यः, प्रारभ्य विघ्न विहिता, मध्याह पहले कदा के स्थान पे आएंगे, लिखेंगे हम पहले लिखेंगे मध्याह, प्रारभ्य विघ्न विहिताः विर्मन्ति, कार्य प्रारंभ करके विघ्नों के आने से छोड़ देते हैं। के कार्यम प्रारभ्य न परित्यजन्ति, कौन कार्य प्रारंभ करके नहीं छोड़ते हैं, तो यहाँ पे लिखना है उत्तम जनाः। च शब्द नहीं आएगा यहाँ पे, च में ओ की मात्रा है, उसको उ बनाना है आपको। उत्तम जनाः कार्यम प्रारभ्य न परित्यजन्ति, कार्य को प्रारंभ करके नहीं छोड़ते हैं। कहि प्रतिहन्यमाना नपि कार्यम न परित्यजन्ति, कहि किसके द्वारा, अब यहाँ पे कहि, यहाँ पे दो मात्रा और विसर्ग है तो तृतीया का बहुवचन आ गया, यहाँ पे लिखना है विघ्नैः ही, विघ्नैः ही प्रतिहन्यमाना अपि कार्यम न परित्यजन्ति, विघ्नों के द्वारा अड़ंगे डालने पर भी कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। पुनरपि इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदम कुरु, संधि विच्छेद करना है, यहाँ पे बीच में र शब्द आया है, र को हमें विसर्ग बनाना है, पुनः प्लस अपि विसर्ग संधि। मित्रम रसा प्रीति रसायनम नयनो नयन नयन यो हो आनंदम, यहाँ पे जो र शब्द है वो विसर्ग है, र के बाद आ की मात्रा है, उसको हम आनंदम पढ़ेंगे, चेतसह मन का। मित्र हमारा प्रीति रसायन है, अर्थात हमें प्यार देने वाला है। नयन यो हो दोनों आंखों का आनंदम आनंद है, चेतसह और मन का, मन में हमारे को आनंदित, हम दूर से ही अपने मित्र को देखकर आनंदित हो जाते हैं और हमारा मन और हमारी आंखें चहक उठती हैं। पात्रम यत सुख दुखयोः सह भवेत मित्रेण दुर्लभम, वह दुर्लभ है जो सुख दुख का साथी होता है। सुख दुखयोः सह, सुख दुख के साथ साथी
मित्र मिलना दुर्लभ है। ये च अन्य सुहृदः, सुहृदः का मतलब भी मित्र होता है, यह मित्र का पर्यायवाची शब्द है। ये यानी जो, च यानी और जो अन्य सुहृदः जो दूसरे मित्र होते हैं, समृद्धि समय वो केवल समृद्धि के समय, द्रव्य अभिलाषा कुला वो हमारे से धन की आशा रखते वाले होते हैं। सर्वत्र मिलंती वे सब जगह मिलते हैं। तत्व निकष ग्रावातु तेषां विपतः, तो उनकी पहचान करना बड़ा मुश्किल है। अब प्रश्न दिए गए हैं प्रीति रसायनम किमस्ति, तो प्रीति रसायनम किम के स्थान पर मित्रम आ जाएगा। प्रीति रसायनम मित्रम अस्ति, किम दुर्लभम, तो किम के स्थान पर भी मित्रम आ जाएगा। मित्रम दुर्लभम, कैसा मित्र दुर्लभ होता है? यत सुख दुखयोः सह मित्रेण मित्रे भवेत मित्रेण दुर्लभम, ऐसा मित्र मिलना दुर्लभ है जो हमारे सुख दुख में साथ दे। द्रव्य अभिलाषा कुला सुहृद कदा गच्छन्ति, धन की अभिलाषा से व्याकुल मित्र कब आते हैं? इसमें हमें तीसरी लाइन का उत्तर हमारा आ जाएगा। ये च अन्य सुहृद समृद्धि समय, कब आते हैं? समृद्धि के समय। कदा के स्थान पर केवल समृद्धि समय लगाना है। द्रव्याभिलाषा कुला सुहृद समृद्धि समय आगच्छन्ति, मित्रतायाः तत्व निकषा ग्रावा किमस्ति, मित्रता का कसौटी का पत्थर किमस्ति? अब यहाँ पे है विपत, मुसीबत के समय जो मित्र साथ दे वह कसौटी पे कसा हुआ होता है। तत्व निकषा का मतलब होता है जिस तरह से सोने को कसौटी पत्थर पर घिस के जांचा जाता है, उसी तरह से मित्रता की सही पहचान मुसीबत के समय होती है, विपत के समय। तो मुसीबत के समय उसकी कसौटी पर पहचान होती है। मित्रम इति पदस्य पर्यायवाची शब्दम लिखत, तो मित्रम का यहाँ सुहृदः पर्यायवाची शब्द है। मित्रम सुहृदः, समझ में आया बेटा सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्म मेलनम कुरुत, जोड़ी जमाओ। आदि कवि ही, आदि कवि अर्थात सबसे पहले कवि कौन हुए हैं? तो यहां है वाल्मीकि ना, वाल्मीकि सबसे पहले आदि कवि थे। कुबेर धन देव, कुबेर धन के देवता हैं। कपिल मुनि ही कुपितः जातः, कपिल मुनि क्रोधित हुए। घनाः वर्षन्ति, बादल बरसते हैं। न आन्द्रतत्तम ब्रूयात, झूठ नहीं बोलना चाहिए। न यानी नहीं, आन्द्रतम झूठ, ब्रूयात बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आम न यानी सही और गलत। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम, शुद्ध वाक्यों के सामने आम हाँ लिखें। अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम, अशुद्ध वाक्यों के सामने न इति लिखत, न लिखें। को अपि चत्वारः, कोई भी चार, यहाँ युग्म मेलनम में भी को अपि चत्वारः, कोई भी चार हैं, आपको लिखना है कोई चार। क्वेश्चन नंबर 11, मनः अपूर्वम अस्ति, मन अनोखा है, आम। यहाँ आपको राइट का निशान नहीं लगाना है, आपको यहाँ पे आम और न ही लिखना है। यशोधरा राहुलस्य माता आसीत, यशोधरा राहुल की माता थी, आम। अस्माभिः समयस्य सदुपयोगः कर्तव्यः, हम सबको समय का सदुपयोग करना चाहिए, आम। कुले च लोके च अनुजः श्रेष्ठः भवति, कुल और संसार में छोटा श्रेष्ठ होता है, नहीं, न, यहाँ पे केवल आपको न लिखना है। वैदिक काले नारी शिक्षितः आसीत, वैदिक काल में नारियां शिक्षित थी, आम। अधोलिखितेषु प्रश्नेषु, नीचे लिखे गए प्रश्नों में चतुर्णाम प्रश्नानाम, चार प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में एक पद में लिखत, एक पद में लिखना है, आपको केवल एक पद में उत्तर लिखना है, आपको पूरा प्रश्न नहीं उतारना है। पूर्वस्मिन काले विदिशा नगर्याः किम नाम आसीत, प्राचीन काल में विदिशा नगरी का क्या नाम था, आपको केवल लिखना है भेलसा। गणोपगुणम किमस्ति,
घना अंधकार कहाँ है? मेघः, बादल। का रूपम नाशयति, कौन रूप नष्ट करता है? जरा यानी बुढ़ापा। कदा दधिम न भुंजित, कब दही नहीं खाना चाहिए? नक्तम यानी रात्रि में। कुलम का रक्षितुम इच्छति, कुल की रक्षा कौन करना चाहती थी? ब्राह्मणी। वर्षा काले शिकिनः किम कुर्वन्ती, वर्षा काल में मोर क्या करते हैं? नृत्यन्ति, नाचते हैं। प्रश्नपते समागतान श्लोकान विहाय, ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को। प्रश्न पत्र में आए हुए श्लोकों को विहाय छोड़कर स्वपाठ्य पुस्तकात अपनी पाठ्य पुस्तक के सुभाषित द्वयम लिखत, दो सुभाषित लिखिए, अर्थात दो श्लोक आपको लिखना है जो आपने कंठस्थ किए हैं और जो इस स्पष्ट प्रश्न पत्र में न आए हो। यदि आपने प्रश्न पत्र में आए हुए श्लोक लिख दिए तो इसका मतलब है आपने 0 नंबर कमा लिया। प्रश्न नंबर 15, स्वप्राचार्यस्य कृते, अपने प्राचार्य के लिए 5 दिवसानाम, 5 दिवसों के लिए अवकाशार्थम, छुट्टी के लिए एकम प्रार्थना पत्रम, एक प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषा में लिखें। या स्वमित्राय, अपने मित्र को एकम आमंत्रण पत्रम, एक आमंत्रण पत्र संस्कृत भाषायाम लिखत, संस्कृत भाषा में लिखें। इसके आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे बेटा, ध्यान से पढ़कर ध्यान से लिखिए। प्रश्न नंबर 16, अधोलिखितेषु नीचे लिखे गए में 5 अशुद्ध कारक, अशुद्ध कारक वाक्यानाम, वाक्यों के शुद्धिम कुरुत, वाक्यों को शुद्ध कीजिए। सौम्या मंदिरः गच्छति, सौम्या मंदिर जाती है। तो मंदिर यहाँ पे नहीं आएगा, ये प्रथमा का एक वचन हो गया। हमें यहाँ पे जब कोई भी कोई काम करता है उसको द्वितीय में ही लिखते हैं, अर्थात द्वितीय में लिखा जाएगा। सौम्या मंदिरम गच्छति, सौम्या मंदिर जाती है। विसर्ग नहीं आएगा, अनुस्वार आएगा यहाँ पे र में। शिक्षकः सुधाखण्डम लिखति, शिक्षक चौक से लिखता है। अब यहाँ चौक से, यहाँ तृतीय विभक्ति आएगी, सुधाखण्डेन, शिक्षक सुधाखण्डेन लिखति। कृष्णः मोदकम रोचते, रुच धातु के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है, इसलिए यहाँ पे कृष्ण शब्द की चतुर्थी विभक्ति लगेगी। कृष्णाय मोदकम रोचते। गंगा हिमालयस्य प्रभवति, गंगा हिमालय से निकलती है, से निकलती है, यहाँ पंचमी लगेगा। तो गंगा हिमालयात प्रभवति, हिमालय शब्द की पंचमी का एकवचन शब्द आएगा हिमालयात। नावह तड़ागम अस्ति, अब यहाँ पे ये द्वितीय लिखा है, यहाँ पे आधार में सप्तमी होता है, इसलिए नावह तड़ागे अस्ति, ये सप्तमी लगाया है हमने, तड़ागे तालाब में। राधा कृष्णस्य सह गच्छति, सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है, इसलिए कृष्ण को हमें तृतीय विभक्ति में लिखना है। राधा कृष्णेन सह गच्छति। प्रश्न नंबर 17, अधोलिखित वाक्यानां कथानुसारेण क्रम संयोजनम कुरुत, ये बहुत ध्यान से लिखने वाला प्रश्न है। इसमें 5 पंक्तियों को कहानी के जो क्रम को बिगाड़ के लिखा गया है। अब यहाँ पे हमारे कहानी का क्रम सही करना है। पहला क्रम होगा यहाँ पे, गंगा तीरे मार्कंडेय नाम कश्चन पुनि वसति स्म, गंगा के किनारे मार्कंडेय नाम के कोई मुनि रहते थे। वासुदेव तस्य प्रिय शिष्य आसीत, वासुदेव उनका प्रिय शिष्य था, यह दूसरी पंक्ति हुई। तीसरी लाइन में आपको लिखना है, किंचित अग्रे गतः, कुछ आगे जाने पर वासुदेव ने किंचित देवालयम अपश्यत, कोई मंदिर देखा। चौथी लाइन में आएगा, शिष्य अनंतरम रामनाथपुरम प्रस्थितवान, शिष्य इसके बाद रामनाथपुर की ओर चल पड़ा, ये चौथी पंक्ति होगी। पांचवी पंक्ति में आएगा, ततः वासुदेवः, तब वासुदेव रामनाथपुरम प्राप्य, रामनाथपुर पहुंचकर रामदेवस्य गृहम आगच्छत, रामदेव के घर गया। ये कहानी के क्रम को बिगाड़ के और आपको कहानी के क्रम को सही क्रम में लिखना है,
ये पांच ही पंक्तियां हैं, इन पांचों पंक्तियों को, गलत पंक्तियों को न उतार कर केवल सही उत्तर की सही सही लाइनें आपको क्रम बनाकर लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 18, यह अपठित गद्यांश है। जिस तरह से हमने तीन गद्यांशों में से दो गद्यांशों के उत्तर दिए, उसी प्रकार यहाँ आपको यह एक अपठित गद्यांश दिया गया है, उसमें से भी आपको पांच प्रश्नों के उत्तर सही सही इसी में से देख के लिखने हैं। अस्य गद्यांश से शीर्षक लिखत, इस गद्यांश का शीर्षक लिखिए। शीर्षक हमेशा पहली लाइन या आखिरी लाइन में होता है, ये बात का ध्यान रखिए। सताम सज्जनानाम संगति, अच्छे लोगों की संगति, संपर्क संपर्क संसर्ग वा या साथ, सत्संगति इति कथ्यते, सत्संगति कही जाती है। अब इसमें पहली लाइन के अंदर ही सत्संगति शब्द आया है, अच्छी संगति, यह पाठ का शीर्षक हुआ। तो अस्य गद्यांशस्य शीर्षक लिखत, तो आपको केवल सत्संगति लिखना है, अच्छी संगति के बारे में यहाँ पे बताया गया है, बता सकते हैं बेटा। और चौथी लाइन में यहाँ पे स्थाने एवं उक्तम संसर्गजाः दोष गुणाः भवन्ति इति, तो अच्छी सत्संगति गुण और दोष पर आधारित होती है, अर्थात अच्छे लोगों से मेल और बुरे लोगों से मेल, ये गुण और दोष प्रकट करते हैं। इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं इस पाठ का, इस गद्यांश का शीर्षक संसर्गजाः गुण दोष गुणाः, ये भी हम लिख सकते हैं, लेकिन सत्संगति इसका सही उत्तर है। केन जनः सज्जनः भवति, कौन सा मनुष्य सज्जन होता है, तो हम बताएंगे सज्जनः भवति, दूसरी लाइन में है देखो, सज्जना नाम संसर्गेण जनः सज्जनः भवति, अच्छे लोगों की संगति के साथ व्यक्ति सज्जन होता है, यही उत्तर है यहां तक। सज्जनः भवति, सज्जनः भवति यहां पूछा है, तो सज्जनः भवति तक हमारा उत्तर सही है। स्व समुन्नतिम इच्छता जनेन किम करणीयम, अपनी उन्नति की इच्छा करने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो हमें क्या बताना है, यहां हमें बताना है कि कैसे व्यक्ति का साथ करना चाहिए। करणीयम, मैंने करणीयम कहां लिखा है, इस उपध्यांश के अंदर कहीं नहीं लिखा। इच्छता जनेन सर्वदा सता में संगति ही निर्दया, हा ये उत्तर, हाँ अतः, इसलिए अतः शब्द हटा देंगे हम। स्व समुन्नतिम इच्छता, स्व समुन्नतिम इच्छता जनेन सर्वदा, लोगों को हमेशा सताम एव सज्जन से ही संगति ही निर्दया, सज्जन की ही संगति करनी चाहिए, ये उत्तर है बेटा तीसरे का। भवंती पदे का धातु भवती, भवंती पद में कौन सी धातु है, भू भव धातु है, भवती भवतः भवंती प्रथमा का बहुवचन। दुर्जनः शब्द से विलोमः शब्द लिखत, सज्जन का विलोम शब्द होगा दुर्जन, सज्जन और दुर्जन। लिखितेषु विषयेषु एकम विषयम स्वीकृत्य शत शब्देषु, सौ शब्दों में संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में निबंधम लिखत, निबंध लिखो। अब आप कोई भी निबंध एक याद कर लीजिए, अनुशासन और संस्कृत भाषा का महत्व ये हमेशा पूछा जाता है। आप अनुशासन थोड़ा सा कठिन है, अस्माकं देशः लिख सकते हैं, और संस्कृत भाषा का महत्व, तो आप ध्यान से देखिए कि संस्कृत भाषा का महत्व ये हमारे उसमें पूछा गया है क्या, गद्यांश में, गद्यांश में आया है क्या, नहीं, तो कभी कभी इसमें भी दिया जाता है, तो हम उसमें से भी लिख सकते हैं, पांच पांच लाइनें तो हमें उसमें भी मिल जाती है कभी कभी, तो ध्यान से देखना बेटा, अच्छी तरह से लिखिए आप, दस दस संस्कृत की लाइनों को पहले याद कर लीजिए, उसके फिर तीन पैराग्राफ बना लीजिए, दो दो तीन तीन लाइन का एक एक पैराग्राफ भी बनाओगे, दो दो लाइन का भी एक पैराग्राफ बनाओगे, तो आपका पैराग्राफ वाइज अच्छा निबंध बन जाएगा, पर 10 पंक्तियां 12 पंक्तियां तो आपको कंठस्थ करनी ही है। धन्यवाद।